टीम और दिन भर की देश और दुनिया की खबरों के बाद अब वक्त है लंच बॉक्स का। अब बात उस मसाले की जो हर डिश में पाया जाता है और जिससे हर डिश का टेस्ट बढ़ जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सलमान खान जहां भी हाथ आजमाते हैं छा जाते हैं। फिल्मों, टीवी शो और अपने ब्रांड ह्यूमन बीइंग ह्यूमन में कामयाब साबित होने के बाद सलमान अब अपना टीवी चैनल भी खोलने की सोच रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि सलमान का जलवा यहाँ वहाँ और सारे जहाँ में है। सलमान का जलवा फिल्मों में दिखता रहता है, उनके बीइंग ह्यूमन ब्रांड के दुनिया भर में चर्चे हैं। वो टीवी शो होस्ट करते हैं और वो टीवी शो प्रोड्यूस भी करते हैं, और अब सलमान अपनी कामयाबी का दायरा बढ़ाने की सोच रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा की माने तो सलमान जल्द अपना टीवी चैनल ही लॉन्च करने जा रहे हैं। यानी कि अब सिर्फ सलमान के एक दो शो नहीं होंगे, बल्कि उनका हर एक शो उनके अपने चैनल पर चलेगा। खबरें तो ये भी हैं कि अपने चैनल के लिए सलमान की प्रोडक्शन कंपनी ने नए शोज भी बनाने शुरू कर दिए हैं। तो अगर सलमान का अपना टीवी चैनल होगा तो उस पर किस तरह के शो देखने को मिल सकते हैं, ये कयास लगाना भी काफी दिलचस्प है। द कपिल शर्मा शो, बिग बॉस, 10 का दम, यानी जिन शो से सलमान पहले से जुड़े हैं वो सलमान के चैनल पर चल सकते हैं, लेकिन इनके अलावा और भी कई मजेदार शो देखने को मिल सकते हैं, जैसे हेल्थ टिप्स और डाइट से जुड़ा शो, जैसे बच्चों से जुड़ा कार्टून शो और कुछ नए कॉमेडी। टीवी चैनल ही नहीं, सलमान का बीइंग ह्यूमन ब्रांड कपड़े, साइकिल और खेलों से जुड़ा सामान बनाता रहा है। अब इसकी तर्ज पर एक नया ब्रांड बीइंग चिल्ड्रन भी मार्केट में जल्द दस्तक दे सकता है। बच्चों के लिए सलमान का प्यार किसी से छुपा नहीं है। बताया जा रहा है कि बीइंग चिल्ड्रन ब्रांड में प्री प्राइमरी से लेकर डे केयर और बच्चों से जुड़ा हर तरह का सामान मिलेगा, यानी कि बीइंग चिल्ड्रन बनाएगा बच्चों के कपड़े, फुटवेयर, खिलौने और बच्चों के लिए किताबें और दूसरी स्टेशनरी जैसे सामान। फिल्में, टीवी शो, बीइंग ह्यूमन ब्रांड और फिर अब अपना चैनल और एक नया ब्रांड बीइंग चिल्ड्रन। इनके अलावा सलमान के जिम की फ्रेंचाइजी भी देश भर में है। मतलब ये कि सलमान की कमाई का जरिया सिर्फ एक नहीं है, शायद इसीलिए मनोरंजन जगत में सलमान के नाम का सिक्का सबसे खरा माना जाता है। तभी तो सलमान साल दर साल सबसे कमाऊ फिल्म स्टार भी बने हुए हैं।